तो हम लोग फाइनली बादशाही मस्जिद में पहुंच चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा रश है, कुछ रेवेंट से लोग आए हुए हैं और कुछ स्कूल के ट्रिप्स आए हुए हैं, रश काफ़ी ज़्यादा है और वीकेंड भी है आज। तो अभी बादशाही मस्जिद को घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आई हुई तमाम मुखालिफीन से गुजारिश है, सरों पर दुपट्टा ओढ़ के रखें, मस्जिद का एहतराम करें। मस्जिद में आई हुई तमाम लेडीज सरों पर दुपट्टा ओढ़ के रखें। मस्जिद में आए हुए तमाम जायरीन से गुजारिश है, मस्जिद में म्यूजिकल वीडियो टिकटॉक वगैरह न बनाए, जिससे मस्जिद का तकद्दुस समाप्त हो जाए। तो बादशाही मस्जिद भी हमने देख लिया, बादशाही मस्जिद अंदर से तो बंद है, बाहर बाहर से हमने भी देख ली और आपने भी देख ली। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है। कहाँ जाना है डॉक्टर साहब? आप डॉक्टर साहब का कहना है कि इम्पोरियम मॉल चलते हैं, तो फिर उधर ही चलते हैं। HSSL हाँ सही है। तो बने आपके चावल बजी नहीं मिली गिरा दी भाई, कह रहे हैं भाई किचन बनवानी है 100 की बनेगी, आप ब्रेसलेट बनाना 150 का बनेगा। तो अभी हम निकले थे शाही मस्जिद से और हम जा रहे हैं इम्पोरियम मॉल, तो अभी चलते हैं और आगे फिर आपको दिखाते हैं। तो जी हम इम्पोरियम मॉल पहुंच चुके हैं। तो भाई साहब आप पहले भी इम्पोरियम आए हैं? पहले मैं पहली मरतबा आ रहा हूँ इम्पोरियम में। लाहौर में तकरीबन ऐसी जगह हैं जिन पे मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो भाई साहब ने काफ़ी लाहौर घुमा हुआ है मुझे लग रहा है, ऐसे है भाई साहब? सारा देखा हुआ है भाई साहब ने, सारा देखा हुआ है। तो अभी अंदर चलते हैं और पहले तो कुछ खाएँगे पियेंगे, नाश्ता भी नहीं किया ऐसे घूम फिर रहे, पहले चल के खाते पीते हैं। हमारा वीडियो लो, तो भाई इम्पोरियम हमने पूरा घूम लिया है। इम्पोरियम पे मेरा एक्सपीरियंस आउट क्लास रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। सेंटोरस तो काफ़ी अच्छा था। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, यहाँ हमारे मतलब का खाना नहीं मिला तो हम बाहर से खाएंगे। तो अभी चल के खाना खाते हैं फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है। तो जी अभी हम खाना खाने के लिए पहुँच गए हैं, कैनाल रोड के साथ है कैस्पियन सी रेस्टोरेंट, उस पर बुफे चल रहा था तो अभी वहीं पे हैं, तो यहाँ पे खाना खाते हैं। तो भाई हमने खाना खा लिया है और यहाँ पे हम काफ़ी देर बैठ गए थे, तो खाना भी बहुत अच्छा बना हुआ था। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे सीधा रेवेंट की तरफ, फिर वहाँ पे नाइट स्टे वहीं पे है, सुबह इंशाल्लाह दुआ है और दुआ के बाद फिर हम वापस लाहौर आ जाएंगे। तो अभी कुरैश साहब से पूछते हैं कि खाना कैसा बना हुआ था। हाँ कुरैश साहब कैसा बना हुआ था खाना? बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था,
तकरीबन कोई 32 डिशें थी वैसे, बफेट में, लेकिन हमने 10-12 खाई हैं। रईस साहब ने सबसे ज़्यादा खाया आज। बोला समझ नाम दिए जो क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, दिल कितने जो खुद को चाटा मारो बेटे, क्या समझ नहीं।